सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल? तो गाइस, कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया था क्योंकि काम बहुत आ गया था और काम में बिजी था। तो आज का हमारा गोल क्या है? आज का हमारा गोल है कि रिसेंटली, लाइक कुछ दिनों पहले, फैंग में फॉर एसडी रोल, SD2 रोल, उनके जो ऑनलाइन असेसमेंट होते हैं उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था, तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, राइट? और ऑनलाइन असेसमेंट के बारे में कुछ और कहूँ तो, लाइक मैंने जनरल क्वेरी सुनी है लोगों से कि उन्होंने DSA और LeetCode बहुत प्रैक्टिस किया फॉर इंटरव्यूज, बट जब ऑनलाइन असेसमेंट आता है और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो वो लोग सॉल्व नहीं कर पाते। तो उन लोग को मैं दो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। देखो, फर्स्ट चीज़ ये है ना कि ऑनलाइन असेसमेंट वाले क्वेश्चंस का फोकस तुम्हारे थिंकिंग स्किल्स पर होता है, और जो टॉपिक्स ये लोग पूछते हैं वो डिफरेंट होते हैं कंपेयर टू द टॉपिक्स जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो तुम लोग अगर LeetCode और DSA और वही स्पेसिफिक टॉपिक्स करोगे तो दिखती बात है गाइज, ये तो होने से रहा, तो इसके टॉपिक्स थोड़े अलग होते हैं, ठीक है? और इन टॉपिक्स तो अलग होते ही है, तो उन टॉपिक्स की प्रिपरेशन करनी है, पॉइंट नंबर वन। और थोड़े थिंकिंग स्किल्स टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो वो टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, काम खत्म, बस इतना सा आंसर है। तो अब इसके रिलेटेड ना मैंने पूरा रोड मैप और गाइडेंस बना के रखा है, कैसे ऑनलाइन असेसमेंट के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेरेशन करनी चाहिए, ठीक है? तो उसकी लिंक और सारे रिसोर्सेज के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा गाइस, ठीक है? और ये क्वेश्चन के लिंक और जो कोड हम लिखेंगे उसकी लिंक, सबके लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सो क्वेश्चन क्या लिखा है? यू हैव ओके यू आर गिवन टू एरेज ए एंड बी ईच ऑफ लेंथ एन। यू नीड टू सेलेक्ट टू इंटीजर्स आई एंड जे सच दैट आई लेस देन इक्वल टू जे, ए आई इज ऑर टिल ए जे इक्वल टू बी आई इज ऑर टिल बी जे, लेट जी इक्वल टू जे माइनस आई प्लस वन। ओके ओके ओके, तो चलो ये क्वेश्चन को थोड़ा इजी लैंग्वेज में देखते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है? अब ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँ इसके पहले दो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना? ये क्वेश्चन में आप लोग को बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैशिंग होनी चाहिए, ठीक है ना? एकदम क्लियरली आपको पता होना चाहिए हैशिंग और उसकी थोड़ी प्रॉब्लम्स, और आपको थोड़ा जोर का मतलब पता होना चाहिए कि जोर कैसे वर्क करता है, क्या बेसिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है? ये दोनों ही टॉपिक ऑनलाइन असेसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो नहीं पढ़े तो प्लीज़ पढ़ लेना अगर तुम लोग को SD रोल्स के लिए अप्लाई करना और उनके OA देने हैं तो, ठीक है? और क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले हमारा मेन मोटो क्या है? सोल्यूशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, नोइंग हाउ टू रीच द सोल्यूशन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है? ये बात को अपने मन में गांठ बांध लो, ठीक है? सोल्यूशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, नोइंग हाउ टू रीच द सोल्यूशन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है? कैसे क्वेश्चन को पढ़ के हमको इंसाइट्स आ रहे हैं, इंट्यूशन आ रहे हैं, कैसे हम लोग उसको अपनी जो ऑलरेडी नॉलेज है उससे अलाइन कर पा रहे हैं और कैसे सोल्यूशन तक पहुंच पा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ना कि जो फाइनल आंसर क्या था, समझ रहे हो? इन शॉर्ट में ये कह रहा हूँ कि तुमको सॉल्व करना आ जाए वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? फाइनल सोल्यूशन क्या है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, थिंकिंग स्किल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है गाइस, ओके? तो हैशिंग और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जोर होनी चाहिए, और हैशिंग के मेरे पास सारे रिसोर्सेज अच्छे वाले पड़े हुए हैं जहाँ मैं और मेरी टीम ने हैशिंग पढ़ाया है, तो उसके भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और जोर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोग को होनी चाहिए, इसके भी रिसोर्सेज डाल दूंगा, और जिन लोग को नहीं पता उन लोग को थोड़ा समझा भी दूंगा यार, उसी के लिए तो है हम। तो चलो जैम बोर्ड चलते हैं। ओके, जैम बोर्ड भी लोड नहीं किया आज। जैम बोर्ड या ओके गाइस, ठीक है। तो क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमको ये कह रहा है कि एक एरे ए दिया हुआ है, ठीक है? अरे दिया हुआ है, ओके पेन तो ठीक हो जाओ। ओके, क्वेश्चन हमको ये कह रहा है कि अरे ए दिया हुआ है, वेरी गुड, ठीक है? अरे ए की साइज होगी एन, अरे बी दिया हुआ है उसकी भी साइज एन है, ठीक है ना? एन नंबर्स है। अरे बी की साइज क्या थी? अरे बी की साइज थी एन, ये भी एन है, ठीक है? तो ये अरे बी की भी साइज एन हो गई, ठीक है? तो जैसे कि मैं यहाँ पर ऐसा एग्जाम्पल के लिए बॉक्सेस ले लेते हैं ना, ठीक है? तो समझो ये इंडेक्स आई है, ठीक है, थर्ड नंबर पे, और ये भी इंडेक्स आई है, और समझो ये जे है, ठीक है, जे, ठीक है? तो ये लोग बोल रहे हैं कि एरे ए में आई से जे तक जितने भी नंबर्स है ना, इनका जोर निकाल लो, इनका जोर निकाल लो, इनका जोर निकाल लो। तो गाइस, इनका जो भी जोर आएगा, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, आई से लेके जे तक जो भी जोर आएगा वो बी का आई, बी के जोर से मैच होना चाहिए, ठीक है ना?
बी में जो भी नंबर्स है ना आई से लेके जे तक, उन सारे नंबर्स का जोर ले लो, और ए में जो नंबर्स है आई से ले जे तक उन सब का जोर ले लो, और इन दोनों के जोर इक्वल आने चाहिए। इक्वल आ गए, राइट? ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हो सकते हैं जहां पर ये पॉसिबल है। ये बोल रहे कि सबसे बड़ा सब एरे ढूंढो, सबसे बड़ी लेंथ का सब एरे ढूंढो जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, इसका जोर ए वाले का जोर बी वाले के जोर से मैच कर रहा हो। ये है हमारा क्वेश्चन, समझ गए गाइस? तो चलो पहले जोर का बेसिक मतलब, आई होप तुम सब लोग को समझ आता है। देखो जब भी जोर वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, तो एक बेसिक ट्रिक बता देता हूँ, बेसिक ट्रिक फॉर लाइफ, हमेशा नंबर्स को बाइनरी में इमेजिन करो तो काम बन जाएगा, ठीक है? जो भी हमको नंबर दिया है उसको बाइनरी में करो इमेजिन, तो इससे मोस्ट ऑफ द केसेस में अपना काम बन जाता है गाइस। ओके, तो लाइक समझो हमको बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, 0 और 1, राइट? समझो हमको 0 दिया है और हमको 0 दिया है, तो इन दोनों का जोर क्या होगा? इन दोनों का जोर होगा 0। हमको समझो 1 दिया है और एक 1 दिया है, तो इन दोनों का जोर क्या होगा? 0। कभी भी दो सेम नंबर आए तो उनका जोर क्या होता है? 0। और एक बार 0 आ गया, दूसरी बार 1 आ गया, या 1 या 0 आ गया, तो इन दोनों का जोर क्या होगा? 1। इन दोनों का जोर क्या होगा? 1। ठीक है, ये रूल्स तो यार बहुत लोगों ने 11th 12th में भी पढ़े होते हैं, ठीक है? तो ये चीज को दिमाग में बिठा लो, क्या है कि 0 का जोर 0, 0 का जोर 0, 1 1 का जोर 0, 0 1 का जोर 1, और 1 0 का जोर 1, ठीक है? तो समझो हमने 3 लिखा है और हमने 5 लिखा है। 3 को क्या, 3 का बाइनरी नोटेशन क्या होता है? 0 1 1, और 5 का बाइनरी नोटेशन क्या होता है? ठीक है, अब आई गाइस एक्सपेक्ट तुम लोग को ये तो पता ही होगा कि नंबर को बाइनरी में लिख रहे हैं, ठीक है ना? ये मत पूछे लग जाना बाइनरी नोटेशन क्या होता है, ठीक है ना? डांट पड़ेगी, नहीं पता था गूगल कर लेना गाइस, ठीक है ना? 5 को बाइनरी में ऐसे लिखते हैं, तो इसका जोर क्या होगा? वेरी सिंपल, पहला कॉलम का नंबर देखो क्या है, 1 और 1, 1 और 1 का आंसर क्या होता था? 0, तो यहाँ लिख लो 0। 1 और 0 का आंसर क्या होता है? 1 और 0 का आंसर होता है 1, तो यहाँ लिख लो 1। 0 और 1 का आंसर क्या होता है? 1। देखो यहाँ पर मैंने डिराइव किया है ना, जो भी आंसर है ना, तो 3 और 5 का जोर क्या आ गया? 1 1 0, 1 1 0, समझे गाइस? तो मेनली ये चीज होती है, ठीक है? जैसे 5 है, 1 1 0, हाँ, तो 3 और 5 का जोर हमारा ये आ गया, ठीक है? इसको फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमको एक्चुअल वैल्यू क्या बोलते हैं पता चल जाएगी जोर की। जैसे कि 5 था 101, तो 6 की, ये 6 है, ओके गाइस, ये 6 है, तो 3 और 5 6 होता है, ऐसे हमने कैलकुलेट करा उसको, ठीक है? ये हो गया आप लोग को जोर की, मैंने आप लोग को अंडरस्टैंडिंग दिलवा दी कि क्या होता है सीन, ठीक है ना? तो अगर मैं दो सेम नंबर ले लूँ, समझो मैं ले लूँ 3 और 3, तो 3 को कैसे लिखते हैं बाइनरी में? 0 1 1, ये 3 को कैसे लिखते हैं? 0 1 1, तो इन दोनों का जोर क्या होगा? 1 1 0, 1 1 0, 0 0 0, मतलब कोई भी दो सेम नंबर है, एक्स जोर, ये जोर साइन है, ठीक है ना? एक्स जोर एक्स इज ऑलवेज 0, ठीक है ना? कोई भी दो नंबर अगर सेम है तो उनके जोर क्या होते हैं? ऑलवेज 0, ठीक है? तो गाइस एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन मुझे आ रही है, ठीक है ना? क्या आ रही है ऑब्जर्वेशन? कि ये जो ए का, देखो गाइस ये तो पता है कि इंडेक्स आई से लेके इंडेक्स जे, मतलब ए का कोई सब एरे, इसको सब एरे बोलते हैं, एरे का एक पार्ट ले रहे हैं ना यार, तो समझो इसका जोर जो आ रहा है वो ले लो Z1, ठीक है? और जो बी का आई से जे है, बी का आई से जे है, इसका जोर ले लो Z2, ठीक है? इसका जोर है Z1, इसका जोर है Z2। वो लोग क्या कह रहे हैं कि Z1 शुड बी इक्वल टू Z2, ठीक है? अगर कोई दो नंबर इक्वल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब Z1 जोर Z2 इज 0। कर दिया हमने क्वेश्चन को इजी, ठीक है? इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे, राइट? हम लोग को बेसिकली क्या फाइंड करना था, एक आई से जे का पार्ट फाइंड करना था, उसका जोर Z1, और बी का फाइंड करना था आई से जे, उसका जोर Z2। और वो लोग क्या कह रहे हैं कि Z1 की वैल्यू Z2 से इक्वल होनी चाहिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है ना? हम लोग यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। देखो बोल रहा है ए ऑफ आई जोर 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 टिल ए ऑफ जे शुड बी इक्वल टू बी ऑफ आई जोर 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 टिल बी ऑफ जे, मतलब वो बोल रहे हैं कि Z1 Z2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है? तो बंदा बोल रहा है Z1 Z2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है? तो Z1 Z2 के बराबर होना चाहिए, इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को जोर भी कर लेंगे तो 0 आएगा। तो बेसिक इंट्यूशन क्या कहता है कि एक एरे ए ले लो, एरे बी ले लो और एरे सी ले लो। अब सी की वैल्यू क्या होगी? सी का फर्स्ट नंबर होगा
A1 XOR B1, समझे गाइस? C का सेकंड एलिमेंट क्या होगा? A2 XOR B2। बेसिकली इन दोनों के जो भी बंदे थे ना, इन दोनों का जो जोर है वो सी में डाल दो, इन दोनों का जो भी जोर है वो इसमें डाल दो, ठीक है? और ए का जो थर्ड एलिमेंट है, बी का जो थर्ड एलिमेंट, उन दोनों का जोर करके सी के थर्ड एलिमेंट में डाल दो, समझे गाइस? A3 जोर B3, ठीक है? तो हमारा सी वाला एरे बन जाएगा, ठीक है? और हमको क्या चाहिए था? हमको ये चाहिए था कि वो सब एरे का जोर जीरो आ जाए। क्या आ जाए? जीरो आ जाएगा गाइस, समझे? तो अगर मैं तुम लोग को सी को तुम लोग को विजुअलाइज कराओ, तो सी आई से जे कैसे दिखेगा? फील करो इस बात को, ठीक है ना? सी है, ये सी का आई है, ये सी का जे है, ठीक है? सी का आई है, सी का जे है, तो यहां पर क्या होगा? इन शॉर्ट क्या होगा? यहां पर बी आई जोर ए ए आई, और ऐसे ऐसे आई प्लस वन से लेके जे तक नंबर होंगे। यहां क्या होगा? बी ऑफ जे जोर ए ऑफ जे। और हमने क्या लिखा था? जेड वन जोर जेड टू शुड बी इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जितने भी नंबर थे इन सबका जोर जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ए आई जोर बी आई, और ऐसे करके जितने भी नंबर है डॉट 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 डॉट, ए ऑफ जे जोर बी ऑफ जे इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, ठीक है गाइस? तो तुम लोग समझ रहे हो कि ये मैंने सी एरे के अंदर सब मिक्स क्यों किया? क्योंकि जब मैं सब सी एरे के अंदर मिक्स करता हूँ, फिर आई से जे से उठाता हूँ ना इनको, तो मुझे दिखता है कि मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है? और इजी कंडीशन ला दी। अब एरे में सबसे बड़ा सब एरे बताना है जिसका जोर जीरो है। ये तो नेट पे बहुत पॉपुलर प्रॉब्लम है, सबको आती है। तो मेन ये ऑनलाइन असेसमेंट का सार क्या था कि प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करो, फिर जो जो छोटे पार्ट है ना, वो तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, ठीक है? तो मेन मेन बात क्या थी कि वो बंदे लोग क्या बोल रहे थे कि भाई ए का जो एरे है उसमें आई से जे तक हमने उठाया, उसका जोर जेड वन ले लो, ठीक है? बेसिकली हमको ऐसा एक पार्ट फाइंड करना है, ठीक है? तो एक पार्ट लेंगे आई से जे, बी में भी वो सेम ही जगह होना चाहिए, आई से जे, जेड टू आ गया। ये बंदे लोग कह रहे हैं कि जेड वन जेड टू इक्वल होना चाहिए। तो जेड वन जेड टू इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब जेड वन जोर जेड टू इक्वल टू जीरो। अगर दो नंबर सेम है तो उनका जोर तो जीरो आएगा ना। तो इनडायरेक्टली इन दो, ये जो पूरा पार्ट है ना, ये देखो इतना पूरा सर्कल कर रहा हूं, ये पूरे का जोर जीरो आना चाहिए। पूरे का जोर क्या आना चाहिए? जीरो। तो मैंने इस पूरे को एक सी एरे में डाल दिया, ये पूरे को सी एरे में डाल दिया। और अभी अपना नया टास्क क्या हो गया? अपना नया टास्क ये हो गया कि हमको सी एरे दिया है, इसमें कोई भी भाई सब एरे ढूंढो जिसका जोर जीरो हो। ये आई है, ये जे है, बस हमको ढूंढना ऐसा कौन सा आई जे है जिसका जोर जीरो हो, इसका जोर जीरो आ जाए, ठीक है ना? अब ये यार बहुत इजी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है? ये हार्ड नहीं है। तो अभी क्वेश्चन समझ लो क्या है, वो पुराना क्वेश्चन भूल जाओ। हम लोग पहले सी एरे बनाएंगे, फिर क्या करना है? एक सब एरे ढूंढो, सबसे बड़ा वाला सब एरे ढूंढो आई से जे वाला, जिसके नंबर्स को अगर तुम लोग जोर करोगे ना तो वैल्यू जीरो आ जाए, ठीक है? तो चलो इतनी चीज तो क्लियर हो गई कि जोर जीरो चाहिए, ठीक है? अब मेन बात क्या है, समझो मेरे को ये सी का एरे दिया हुआ है, ठीक है? अब मेन ऑब्जर्वेशन की बात आएगी, ठीक है? और ये समझो इसके एलिमेंट्स, एलिमेंट्स लिख लेता हूँ। क्या है? C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 एंड सो ऑन, ठीक है ना? अब मैं क्या करूंगा ना, एक जॉर एरे बना लूंगा। जॉर एरे को नाम दे देते हैं जॉर, हाँ ठीक है, ये ऐसा ही ठीक है। जॉर एरे में क्या करूंगा ना, पहले एलिमेंट का जॉर क्या होगा? सी वन ही होगा। चलो इसको एक्स वन लिख लेते हैं, एक्स वन की वैल्यू होगी सी वन ही, ठीक है? जो पहले दो एलिमेंट्स का जॉर है ना, वो हम लोग इसको जॉर एरे में एक्स टू बोल देते हैं। एक्स टू की वैल्यू क्या होगी? सी वन जॉर सी टू, ठीक है? थर्ड एलिमेंट का जो जॉर है ना गाइज, मतलब पहले तीन नंबर का जॉर, वो हम लोग एक्स थ्री में डाल देंगे। और ये निकालना बहुत ईजी है, जैसे लूप चल रहा है ना, पीछे पीछे वाले एलिमेंट्स को जॉर करते जाओ, ठीक है? एक्स फोर क्या हो जाएगा? अपने फर्स्ट चार एलिमेंट्स का जॉर। एक्स फाइव क्या हो जाएगा? फर्स्ट फाइव एलिमेंट्स का जॉर, एंड सो ऑन। तो एक जॉर एरे बना लिया जिसमें एक्स आई इज व्हाट? फर्स्ट आई एलिमेंट्स का जॉर, ठीक है ना? इसको लोग स्टाइल में आप लोग बोल सकते हो प्रीफिक्स जॉर, ठीक है ना?
तो पहले जितने भी एलिमेंट्स से इंडेक्स आई तक, वो पर्टिकुलर इंडेक्स तक, उनका तो हमने जोर गाइस कर लिया, ठीक है ना, उनका तो जोर कर लिया, वेरी गुड, उनका जोर कर लिया, बहुत खुशी की बात है। अब बात ये है ना कि इसको आई टू जे में थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो समझो मैंने ये सी एरे थी, सी एरे से अब जोर एरे बना ली है, ठीक है ना, ठीक है। ये इंडेक्स आई पर हूं मैं, ये इंडेक्स जे पर हूं मैं, ठीक है। समझो यही बंदे, यही यहां से यहां का जो सी है ना, यहां से यहां जो सी है ना, समझो सी आई टू जे जीरो है, क्या है, जीरो। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे बताता हूं। वन से लेके जे तक जितने भी बंदों का जोर क्या होगा, इन सारे बंदों का जोर होगा एक्स जे। वन से लेके आई तक सारे बंदों का जोर क्या होगा, एक्स आई, ठीक है। और वन से लेके, हाँ, और आई से लेके जे तक जो बंदों का जोर क्या होगा, इसको हम लोग कह लेते हैं जेड। गाइज यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या, वन से लेके जे तक का जोर मुझे पता है एक्स जे है, वन से लेके आई तक का जोर मुझे पता है एक्स आई है, मेरे जोर एरे में स्टोर है। बट आई से लेके जे तक का जोर क्या है भाई, ये तो मुझे पता है आई से लेके जे तक का जोर जीरो है, बट क्या इसको कोई फॉर्मूला बना सकता हूं क्या मैं? हाँ भाई बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है ना। वन से लेके आई फील कर पा रहे हो, और वन से लेके जे, ठीक है, वन से लेके जे का आंसर है एक्स जे, वन से लेके आई का आंसर है एक्स आई, और आई से लेके जे का है जेड, ठीक है। तो एक्स आई और जेड मिलके एक्स जे बन रहा है, इतना फीलिंग तो आ ही रहा होगा, ठीक है। क्या फीलिंग है, फीलिंग ये है कि एक्स आई को जब मैं जेड के साथ मिलाऊंगा तो एक्स जे बन जाएगा। इन शॉर्ट एक्स आई को जेड के साथ जोर करूंगा तो एक्स जे बन जाएगा। इसका मतलब अभी मैं इसको राइट हैंड साइड में अगर लेके जाऊं इक्वेशन को, तो जेड इक्वल टू एक्स जे जोर एक्स आई, समझे गाइस। तो इनडायरेक्टली बात ये है कि ये जो जो बंदा है, बंदे है ना आई से जे वाले, इनका जोर क्या होगा, इनका जोर होगा एक्स जे जोर एक्स आई, ठीक है, एक्स एक्स जे जोर एक्स आई। तो ये तो पता चल गया, ये पार्ट का जोर क्या है, एक्स जे जोर एक्स आई। और ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब जेड क्या होना चाहिए, जीरो, तो हमने पहले ही पढ़ा था। तो इसका मतलब क्या है, एक्स जे जोर एक्स आई क्या है, जीरो। जब कोई दो नंबर का जोर जीरो, मतलब वो सेम है, एक्स जे इक्वल टू एक्स आई होना चाहिए। दिस इज द फाइनल कंक्लूजन गाइस। फाइनल कंक्लूजन क्या है कि एक्स जे एक्स आई से इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर मैं एक सी एरे बना लूं, ठीक है ना, ये सारे नंबर्स है इसमें, ठीक है, ये ले लो इंडेक्स आई, ये ले लो इंडेक्स जे, और अब मैं जोर एरे बना रहा हूं, ठीक है ना, जोर एरे में लिखा है एक्स वन एक्स टू, यहां पर एक्स आई लिखा है, यहां पर एक्स जे लिखा है। क्या मतलब है एक्स आई का, मैं 10 बार बता चुका हूं, एक्स आई का मतलब है सी वन जोर सी टू टिल सी आई, और एक्स जे का मतलब है फर्स्ट से लेके क्या कहते हैं सी वन जोर जितने भी नंबर है जे तक उनका जोर, ठीक है। तो अगर मुझे सब एरे फाइंड करना है जिसका सब है जिसका जोर जीरो है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि एक्स आई भाई एक्स जे से सेम होना चाहिए। तो भाई हम लोग ये एक्स एरे को ट्रेवल करेंगे, एक्स जे पर आ जाएंगे, समझे, एक्स जे पर फाइव लिखा है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे बस ये पहचानना है कि एरे में फाइव सबसे पहले कहाँ आया था, ये वो वाला एरे हमारा, वो हमारा सब एरे वैलिड हो जाएगा। इन शॉर्ट समझो ये एक्स वाला एरे है, ठीक है, इसमें नंबर मैंने ऐसे लिखे वन टू थ्री फोर, समझे, ऐसे रैंडमली आ रहे, सिक्स नाइन टू, ठीक है, ये समझो मेरा जे है। तो कंडीशन क्या है वैलिड होने के लिए कंडीशन ये है कि टू फिर से कहाँ आया था, यहाँ आया था, मतलब ये हमारा आई से जे है, मिल गया आई से जे, समझ रहे हो। अगर ये वाले एक्स आई का वैल्यू टू है और ये वाले एक्स जे का वैल्यू टू है, इसका मतलब एक्स आई इक्वल टू क्या हो गए, एक्स जे हो गया, इसका मतलब एक्स आई जोर एक्स जे क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब यहाँ के जो नंबर्स है ना, इनका जो सी एरे था ना, उनका जोर करोगे ना, तो सी एरे वो नंबर्स का जोर जीरो आएगा,
समझे गाइस, एक लास्ट टाइम फिर से समझा देता हूँ। एक्चुअली ओए के प्रॉब्लम्स क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है और बच्चों ने बेसिक्स नहीं पढ़े होते हैं तो समझाना बहुत हार्ड हो जाता है अनलेस तुम लोग को बेसिक्स पता। और इसलिए यूट्यूब पर ये काम कोई करता भी नहीं है। देखो गाइस, क्वेश्चन ये था कि सी एरे दिया है, ठीक है। सी एरे में से तुमको एक सबसे बड़ा सब एरे बताना है जो आई पे स्टार्ट हो रहा है, जे पे खत्म हो रहा है, और इसका सी से आई से लेके जे तक जितने भी बंदे हैं इनका जब जोर करते हैं तो आंसर 0 आना चाहिए। गॉट इट गाइस? तो मैंने एक जोर एरे बना लिया, ठीक है। जोर एरे में मैंने सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली x1 से लेके xn तक, ठीक है। और फाइनल कंक्लूजन ये है कि ये कंडीशन तब सेटिस्फाई होगी जब एक्स आई इक्वल टू एक्स जे आएगा, ठीक है गाइस। एक्स आई इक्वल टू एक्स जे आएगा तो क्वेश्चन अब क्या बन गया, क्वेश्चन और सिंपलीफाई होगा। देखा ये क्वेश्चन कहाँ स्टार्ट हुआ था, कहाँ पहुंच गए हम, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि कोई भी एरे दिया है उसके अंदर तुम जे इंडेक्स पर हो 8, तो तुमको बताना है 8 फिर से पहले कब आया था। तो गाइज ये तो बेसिक हैश मैप है। हैश मैप में ना जैसे चल रहे हो स्टोर कर लो, यहाँ पर लिख लो, जैसे यहाँ पर 8 आया ना इंडेक्स, समझो इंडेक्स 2 पे 8 आया था, तो हैश मैप में स्टोर कर लो 2,8, ठीक है। और समझो मैं आ गया 100वें इंडेक्स पर, 100 पर, ठीक है। 100 इंडेक्स पर मैं क्या देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर तो 8 है, और मैप में चेक करता हूँ फिर से पहले 8 कब आया था भाई, तो मैप बताता है भाई सेकंड पोजीशन पे आया था। इसका मतलब आंसर है 100 - 2 + 1, मतलब इसकी साइज क्या होगी। कोई चीज अगर 2 नंबर पे चालू हुआ था, 100 पे खत्म हुआ था, साइज क्या होगा, 100 - 2 + 1 होगा ना, ये प्लस वन लगाना पड़ता है। आई होप इतना कॉमन सेंस होगा सब में, तो साइज ऐसे बताई लगाई लगाई जाएगी, ठीक है। तो ऐसे तुम हर इंडेक्स पर चेक करना, हर इंडेक्स पर चेक करना, समझ रहे हो। यहां से जब ट्रेवल करोगे ना आगे, ये जो जोर आ रहे हैं इसको आगे हम लोग ऐसे ट्रेवल करेंगे, ठीक है। टन 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 टन, समझो जो भी करंट इंडेक्स है उसको जे मान लो, ठीक है। समझो यहां तक का जोर आ रहा है 9, ठीक है। तो अब चेक करो कि भाई 9 सबसे पहले कौन से इंडेक्स पर आया था, ठीक है। अब जो मेरा हैश मैप है उसमें ये वैल्यू पहले से स्टोर्ड होगी, उसमें लिखा होगा कि भाई 9 तुम्हारा 5वें इंडेक्स पर आया था, और अभी मेरा करंट इंडेक्स क्या है, जे। मतलब आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया j-5 + 1। इस जे से लेके 5 तक का साइज यही होगा, j-5 + 1। ऐसे तुम हर इंडेक्स पर आंसर निकालो, और जो सबसे मैक्सिमम आंसर होगा ना, मैक्सिमम आएगा ना, वो तुम लोग का फाइनल आंसर होगा, ठीक है गाइस। तो आई होप तुम लोग को ये सब समझ आ गया होगा। जो कोड है वो मैं तुम लोग को क्या कहते हैं कोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइस। और बस यही था ये वीडियो के बारे में, और क्या ही कहूँ, ठीक है। एक लास्ट ओवरव्यू दे देता हूँ। तो क्वेश्चन ये था, हमको क्वेश्चन ये था कि ए एरे दिया है, ठीक है ना, इसके अंदर आई से लेके जे तक नंबर्स हैं, बी के अंदर आई से लेके जे तक नंबर्स उठाओ, ठीक है ना। तो ए से लेके आई तक जितने भी नंबर्स हैं उन सबका जोर करो, ठीक है ना, आई से लेके जे तक जो भी नंबर्स हैं उनका जोर करो, ये सब बराबर होने चाहिए बी में नंबर्स जो भी आई से लेके जोर जे तक है, ठीक है। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया x1, सॉरी इसको मैंने बोल दिया z1, इसको बोल दिया z2। जब भी कोई 2 नंबर इक्वल होते इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि z1 ज़ेड 2 इक्वल टू 0, z1 ज़ेड 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब ए आई ज़ोर बी आई, ठीक है, फिर ज़ोर ए आई प्लस वन, ज़ोर बी आई प्लस वन, ज़ोर ऐसे करते करते ए ऑफ जे, ज़ोर बी ऑफ जे, ये क्या आना चाहिए, ये 0 आना चाहिए गाइस, ठीक है। ठीक है, तो मैंने क्या किया ना, स्मार्टली एक सी एरे बनाया, सी एरे बनाया, ठीक है, एक सी एरे बनाया, कंडीशन हमको पता चल गया, तो एक सी एरे बनाया। सी में ना फर्स्ट इंडेक्स में मैंने डाल दिया ए ऑफ वन और बी ऑफ वन, फिर ए ऑफ टू और बी ऑफ टू, ऐसे करते करते डाल दिया। तो अब सी के आई से जे में क्या होगा, यही नंबर्स होंगे ना, देखो यही नंबर्स होंगे ए ऑफ आई और बी ऑफ आई, ए ऑफ आई प्लस वन, और इन सबका जोर हमको क्या चाहिए, 0। तो बेसिकली जो सी का जो आई से जे तक का जो पार्ट है ना उसका जोर 0 आना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि जो सी एरे है ना इसमें सबसे बड़ा सब एरे ढूंढो जिसका जोर 0 आ जाए, ठीक है। अब जोर 0 ढूंढने के लिए क्या ट्रिक थी, जोर 0 ढूंढने के लिए ट्रिक ये थी कि सी का तो एरे तुम लोग को दिख ही रहा है, ठीक है, आई से जे तक का,
एक जॉर एरे बना लो, ठीक है? यहां पर एक्स वन इसका वैल्यू, एक्स टू। अब जॉर एरे पता है ना, जॉर एरे मतलब जो पहले आई एलिमेंट्स है ना उनका जॉर यहां पर लिखा होगा, एक्स आई, यहां तक के नंबर्स का जॉर एक्स जे यहां पर लिखा होगा। और हमने कंडीशन क्या फाइंड की थी कि अगर एक्स आई की वैल्यू एक्स जे से मैच होती है ना, तभी सी ऑफ आई जे, इफ एक्स आई इज इक्वल टू एक्स जे, देन सी ऑफ आई से लेके जो जॉर है जे तक का वो जीरो आएगा गाइस, ठीक है? तो बेसिकली फाइनली हमारा कंक्लूजन क्या बना कि जो तुम्हारा जॉर एरे है, समझता हूँ थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है बट ऐसे करेंगे तभी तो दिमाग के तार खुलेंगे। तो एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री ऐसे करते करते है गाइस एक्स एन तक, ठीक है ना? तो समझो मैं हूं x99 पर, इसकी वैल्यू है 5 और x3 की वैल्यू थी 5, तो ये j से i वैलिड बन जाएगा। कैसे बनेगा? क्योंकि भाई वैल्यू सेम है तो मतलब ये वैलिड है, मतलब c ऑफ ये जो नंबर्स थे ना 5 से लेके क्या कहते हैं 3 से लेके 99, इन नंबर्स का 3 से लेके 99 तक जितने भी नंबर्स हैं इन सबका अगर जोर लोगे ना तो जीरो आएगा, ठीक है? ये कब हो सकता है? जब x ऑफ 99 x ऑफ 3 से मैच कर रहा हो, ठीक है? तो गाइस अब सीन क्या है, अगर तुम x ऑफ 99 पे 5 देखते हो तो कैसे पता चलेगा कि 5 पहले कब आया था? ऑब्वियसली भाई कॉमन सेंस, हैश मैप में स्टोर करोगे ना x3 की जो भी वैल्यू थी ऐसे स्टोर करते, देखो ऐसे हैश मैप होता है, एक की और वैल्यू पेयर में स्टोर करते हैं, ठीक है ना? x3 की वैल्यू क्या थी? 5, तो हैश मैप में डाल दो पाई कॉमा 3, ऐसे समझो यहाँ पर वैल्यू 9 आई थी x4 की, तो यहाँ पर लिखोगे 9,4, ठीक है? ऐसे करते करते मैं x99 पे आ गया, तो सबसे पहले क्या करूंगा, चेक करूंगा x99 पे वैल्यू क्या है 5, तो चेक करूंगा हैश मैप में 5 का आंसर क्या है, 5 का आंसर है 3, मतलब 3 पे 5 आया था, मतलब 3 से लेकर 99 तक वैलिड है, 3 से लेकर 99 तक वैलिड है, तो इसकी साइज क्या होगी, 99 माइनस 3 प्लस 1, तो आंसर हो गया 99 माइनस 3 प्लस 1। ऐसे हर जे पे जाते वक्त आंसर निकालो और इन सारे आंसर्स का जो मैक्सिमम होगा वो गाइस तुम्हारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है? जैसे ही इसका आंसर कैलकुलेट करते हो इसको भी हैश मैप में डाल देना, क्या आंसर क्या है 99 पे, आंसर क्या आ रहा है, सॉरी सॉरी 5 पे आंसर क्या आ रहा है 99, तो इसको भी हैश मैप में डाल दो 5,99, समझ रहे हो? अब हमको क्या चाहिए था ना गाइस, लॉन्गेस्ट चाहिए था, तो एक ट्रिक करते हैं। अब इसमें एक बहुत बड़ा कॉर्नर केस है जो तुम सब लोग मिस कर जा रहे हो, ठीक है? अरे यार जगह ही खत्म हो गई। ओके कोई नहीं, नया बना लेते हैं। तो गाइस अब देखो कॉर्नर केस क्या है ना, ये मेरा एक्स है रे, ठीक है? चल जा भाई चल जा, ठीक है? ये मेरा एक्स एरे गाइस, ठीक है? इसके अंदर की वैल्यूज है, ठीक है? यहाँ पर वैल्यू थी 5, यहाँ पर वैल्यू थी 5, यहाँ पर वैल्यू है 5, ठीक है? मतलब ये भी वैलिड सब एरे है, ये भी वैलिड सब एरे है, मतलब जो भी दो वैल्यू जो 5 से स्टार्ट और 5 से एंड होता है सब वैलिड है, ठीक है? तो प्रॉब्लम क्या है ना, जब तुम लोग ये वाले जे इंडेक्स पर हो गए ना तो तुम लोग क्या चेक करोगे 5 पहले कब आया था, तुमको तो मल्टीपल वैल्यूज दिखेंगी, यहाँ पर भी आया था भाई, यहाँ पर भी आया था, तो कॉमन सेंस है कि हमको ये वाले पाई पे फोकस करना है, जो फाई सबसे पहले आया था तभी तो सबसे लंबी साइज बनेगी ना चाचा जी, समझ रहे हो? अगर मेरे को सेम नंबर ढूंढना है, ठीक है, समझो यहाँ पर 10 है, मेरा जे 10 है, जे पे मतलब जे तो जो भी है बट एक्स ऑफ जे मेरा 10 है, ठीक है? तो अब मैं चेक कर रहा हूँ 10 पहले कब आया था, तो एक बंदा बोलता है कि इंडेक्स 1 पे 10 आया था, दूसरा बंदा बोलता है 5 पे भी 10 आया था भैया, तो 5 वाले को इग्नोर करेंगे, 1 वाले को लेंगे, 1 वाले का फोकस करेंगे, तो आंसर क्या होगा 10-1+1, ना कि 10-5+1। क्यों? 10-5+1 तो छोटा होगा ना यार, क्वेश्चन ने बोला था सबसे बड़ा ढूंढना है, ठीक है? तो हैश मैप में जब अपडेट कर रहे हो ना तो एक चीज का ध्यान रखना, समझ रहे हो? यहाँ पर 10 दिख गया हमको, यहाँ पर 10 दिख गया हमको, यहाँ पर 10 दिख गया, तो जब सब समझो 3 इंडेक्स पर दिख गया, 6 इंडेक्स पर दिख गया, 9 इंडेक्स पर दिख गया, तो सबसे पहले जब दिख रहा है ना तो लिख लेना 10, 10 वैल्यू आ रही है इंडेक्स नंबर 3 पे, मैंने हैश मैप में डाल दिया।
अब जब दिख रहा है ना कि 10 वैल्यू 6 पे आ रही है तो उसको डालना ही मत, पहले चेक कर लेना 10 वैल्यू हैशमैप में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है क्या। हाँ भाई करता है तो इग्नोर कर दो। तो इससे जो सबसे पहली वैल्यू थी ना वही स्टोर होगी। जब देखोगे तुम 10 9 पे आ रहा है तो चेक करो, अरे 10 3 पे ऑलरेडी आ रहा है भाई, हमको बड़ी वैल्यू डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो इससे ना हमारे हैशमैप में क्या होगा, लेफ्ट में होगी, हैश मैप में क्या होगा ना, लेफ्ट कॉमा राइट होता है हैश मैप में, तो लेफ्ट में होगी सारी जॉर वैल्यूज और राइट में होगा उनका फर्स्ट इंडेक्स, फर्स्ट अकरेंस ऑफ इंडेक्स। ठीक है बस गाइस यही है, हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। और पहले सबसे पहले चेक करना, अगर एक वैल्यू कभी हैश मैप में आई नहीं तो उसको डालो, वो फर्स्ट ही टाइम ही आ रही होगी। पर अगर एक बार आ चुका है तो उसको बार बार मैप में अपडेट मत करो, ठीक है ना, क्योंकि हमको लेफ्ट मोस्ट वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, अगर हमको बहुत सारे फाइव दिए हैं तो जब मैं ये वाले फाइव पढ़ूँ तो मुझे ये नहीं पड़ी है कि इन सब का क्या हो रहा है, मुझे तो पहले वाले फाइव से मतलब है, क्योंकि जब इसके साथ सेटिंग करूंगा तभी तो सबसे बड़ा लंबा एरे सब एरे आएगा गाइस। ठीक है गाइस, तो गाइस ये था हमारा वीडियो, आई होप तुम लोग को इससे फायदा हुआ हो। एंड या अगर यहाँ तक देखा और सब समझ आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। ऑल द बेस्ट, मैं चलता हूँ रेस्ट करने, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाए भाई, थक गया हूँ पूरा।